About what would really happen on the exam day. So it's basically IELTS exam day advice. I'll be telling a brief introduction about myself. My name is Umar Khan. I'm the CEO of Beckons. I've been teaching IELTS for the last 10 years, and I've taught more than 25,000 students, and I have completed my education from Canada. Now let's talk about what would happen on the exam day, and I want you to watch this video at least 12 hours before your exam. Now, let's start with the very first thing, and that is, do not talk to people over there. अगर आपके बैचमेट्स हैं कुछ अकेडमी में कुछ प्रिपरेशन सेंटर में कुछ लोग आपके साथ प्रिपेयर कर रहे थे वो एग्ज़ाम वाले दिन उधर बैठे हुए हैं तो उनसे बात कर लें. इन केस यू आर गोइंग टू टॉक टू अदर पीपल एंड यू गोइंग टू टॉक अबाउट अदर स्टाफ फॉर इंस्टेंस दे वुड ओनली स्ट्रेस यू आउट. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. आप किसी से वहाँ पे बात करेंगे कुछ कोई कहेंगे हम पांचवीं बार एग्ज़ाम दे रहे हैं हम दसवीं बार एग्ज़ाम दे रहे हैं. ये जब आप सुनते हैं ना बातें कोई पांचवीं बार एग्ज़ाम दे रहा है कोई दसवीं बार एग्ज़ाम दे रहा है आपको तो नहीं पता कि उसके स्किल्स क्या थे. आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमने सुना है कि इस बार लिसनिंग ऐसा होगा रीडिंग कहाँ से सुना है. या तो वो आपको गेस्ट पेपर खुद पब्लिश करके दे रहे होंगे ये चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में. सो डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट. I want you to understand that you should be focused on the particular things which would happen on the exam rather than stuff or stories of other people. उससे ये होगा बोल बोल के डेढ़ दो घंटा आप इतना बोलेंगे कि आप खुद ही थक जाएंगे. The second thing I want you to have, like in case you love tea, go for tea. In case you love coffee, you should go for coffee because I want you to have a very good mind and have a bar of chocolate. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो सिर्फ आपको पानी देते हैं. जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर हो रहे होंगे जब आपसे लाइंस बनवा रहे होंगे तो उससे पहले चॉकलेट ले लें. उससे आपकी एनर्जी लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा. देन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. वेन यू आर गोइंग इन टू द डोर वेन यू आर एंटरिंग देयर वहाँ पर भी जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा. नाउ देर आर टू सिचुएशंस. वन इज दैट सम पीपल गुड लाई एंड सम पीपल हु विल टेल द ट्रुथ. आप ज़रा सोचें आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपको नफरत हो. फॉर इंस्टेंस योर एनिमी. कोई ऐसा इंसान. कुछ लोग कहेंगे हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है हम तो बहुत अच्छे लोग हैं. ठीक है वो समझ जाएं ये बात. बट देर वुड बी सम पीपल इवन दो यू आर नॉट वेरी मच विलिंग टू हर्ट दैट पर्सन देर इज़ ऑलवेज वन पर्सन इन योर लाइफ हु मेड यू गो थ्रू समथिंग वेरी पेनफुल. वो आपका कोई दोस्त हो सकता है आपका रिश्तेदार कोई भी ऐसा कोई अनजान बंदा जिसने आपको बहुत सा पेन दिया होगा एंड यू स्टिल सर्वाइव्ड. आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट पर्सन व्हेन यू आर एंटरिंग. मैं आपको बड़ा एक सिंपल सी वर्ड्स में समझाता हूँ कि जब वो इंसान आपको बर्बाद नहीं कर सका तो आइल्स क्या आपको बर्बाद करेगा. आइल्स कैसे आपको बर्बाद कर सकता है. अगर आपको ये लगता है कि आपके पैसे और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यकीन माने ये आप जैसे स्कूल से निकलेंगे ना जैसे आपकी एजुकेशन ख़त्म हुई है उसके बाद दो चीज़ें तो ज़रूर ज़ाया होती हैं. एक टाइम भी बहुत ज़ाया होता है और एक पैसा भी बहुत ज़ाया होता है. इसलिए जो आपको कह रहे हैं ना कि टाइम और पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए उनको खुद भी नहीं पता. इन लीगल स्कीमों में प्लॉट ले लेते हैं ज़ाया पैसा. कोई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं. तो आपने ये स्ट्रेस नहीं लेना कि आपका टाइम और पैसा ज़ाया हो रहा है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट वन पर्सन हु गेव यू पेन. जिस इंसान ने आपको तकलीफ दी थी उसका शक्ल याद कर लेना. आपकी एनर्जी एकदम से बूस्ट होगी. या आप बहुत अच्छे कोई इंसान हैं तो बस प्रे कर लेना. अगर आप किसी के लिए नफरत नहीं रखते तो आप वो चीज़ भी आपको एकदम से एक बूस्ट देगी. आपके आपको ना एक एनर्जी आएगी कि येस आई एम केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल. एंड द लास्ट थिंग इज दैट एग्ज़ाम में चीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है. आपको तो ये भी नहीं पता कि जो आपके साथ बैठा हुआ है उसकी इंग्लिश कैसी है. तो उससे चीटिंग कर लेते हैं लोग कर रहे होते हैं वहाँ पे पूछ रहे होते हैं अच्छा लिसनिंग का अच्छा ये था नज़र आ रहा होता है थोड़ा बहुत. यू कैन चीट बट वाई वुड यू चीट. एक तो वो इन्विजिलेटर 10-10 लोगों के बाद एक इन्विजिलेटर खड़ा होता है. दूसरी चीज़ है कि जिससे आप पूछ रहे हैं उसको खुद भी इंग्लिश आती है नहीं आती. आपको काम उन्होंने बिठाया. सो वाई आर यू विलिंग टू पुट एवरीथिंग एट स्टेक एंड चीट when you don't even know what that other person is capable of. School या college में तो आप cheating करते हैं आपको पता होता है ये लाइक बच्चा है इससे ज़रा cheating करते हैं. इधर तो आपको नहीं पता कौन लाइक है. कोई अच्छे कपड़े पहन के आया इसका मतलब ये तो नहीं उसकी इंग्लिश अच्छी है. सो डोंट गो फॉर द चीटिंग पार्ट एंड ट्राई टू बी एज रिस्पेक्टफुल टू द एग्जामिनर एज पॉसिबल.
एग्जामिनर नहीं, वो जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके साथ आर्ग्यू ना करें। आपने वॉशरूम जाना है, हाथ खड़ा करें। अगर आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए तब भी उनके लिए साथ रिस्पेक्टफुल रहें, क्योंकि जो काम आप इज्जत दे के ले सकते हैं वो किसी की बेइज्जती करके नहीं ले सकते। मेरे सामने बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो उनके साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं, आप हमें अभी दें आंसर शीट, एक्स्ट्रा आंसर शीट अभी दें, वो फिर अड़ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं आप इसको कंप्लीट करें। सो ट्राई टू बी एज मच एज रिस्पेक्टफुल एज पॉसिबल, एंड आई वॉन्ट यू टू हैव ऑल द गुड लक फॉर दैट पर्टिकुलर डे। ओके, थैंक यू।